अंजलि आ चुकी है अपने अवतार में, यू नो, एंड आई एम फीलिंग सो गुड टू बी बैक लाइक दिस. कमिंग बैक इन द शो वॉज ऑलरेडी फन, एंड कमिंग बैक लाइक दिस इज लाइक ओके नो सती सावित्री का नाटक. इवन आई लाइक दिस एक्टिंग द मोस्ट. बहुत ईजी है मेरे लिए ये वाला, जो सबको चैलेंजिंग लगता है ये मेरे लिए बहुत ईजी है, तो मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है. सेकेंड थिंग अबाउट द सीन, अबाउट द सीन इज कि मैं जो जिस लड़के को मैंने हायर किया है, क्या नाम है उसका, साहिल. सो साहिल को मैंने संजना को अफेयर वगैरह में फंसाने के लिए हायर किया था, एंड आज मैं उसको एनवलप देने गई थी, लाइक पैसे देने गई थी उसके काम के. तो रोशनी भाभी हमारी खुराफाती बहुत हैं, उन्होंने हम कहीं दूर से कैप्चर कर लिया, और अभी वो तो हम उनका काम तमाम कर देंगे, बट फिलहाल के लिए तो हम भी टेंशन में आ गए कि भाई हो क्या रहा है ये. सो फाइनली अभी संजू को भी शायद पता चल गया है कि मैं हूँ, बट लेट मी हैंडल, मैं कोशिश करती हूँ वैसे जाके टैकल करने की, नहीं हुआ तो लेट्स सी क्या होता है. तो देखा गया, जैसे आपने कहा खुराफाती दिमाग है आपकी भाभी का, तो वो मिल गई अब संजना के साथ और पकड़ी गई हैं आप, तो कैसा लगा आपका, मतलब जो है मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता संजू रोशनी को पता चलने से, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है. मुझे फर्क पड़ता है घर पे वो सिमर है ना बैठी है, मेरी मम्मी वो ना डंडा लेके बैठी रहती है, तो मेरे को उनसे लेकर हर बच्चे को किसी से डर नहीं लगता, माँ बाप से लगता है, मेरे को भी सिमर से डर लगता है. बट जब मैं अपनी जिद पे आ जाती हूँ फिर मैं किसी से नहीं डरती हूँ. तो फिलहाल के लिए तो अभी इन लोग को पता चला है, इन लोग आगे क्या करते हैं ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इतनी जल्दी अंजलि का असली चेहरा मुझे नहीं लगता सबके सामने आएगा. बट जिस तरह से ये सारा गेम खेला जाएगा ना, ये अंजलि वर्सेस संजू एंड रोशनी, ये आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा. सो कीप वॉचिंग ससुराल सिमर. थैंक यू सो मच.